हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी 6 बन में आपका स्वागत है। ये राइस फ्लोर की बर्फी है, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाने में इतनी आसान कि एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आसानी से बना लेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप चावल का आटा लेंगे और इसे कढ़ाई में डाल देंगे। इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। इसमें 2 चम्मच बेसन डाल देंगे और इसे भी भून लेंगे। ये अच्छी तरह से भून गया है, अब इसमें कोई कच्चापन नहीं है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसका हल्का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें दूध की ताज़ी मलाई डाल देंगे 2-3 चम्मच और इसे मिला लेंगे। अगर आप दूध की मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर दें और इसकी जगह 2 चम्मच घी डालकर मिला लें। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। ये देखिए, मलाई को भी मिला लिया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे टेस्ट के लिए और इसे भी मिलाएंगे। अब इसमें 1 कप गुड़ डाल देंगे। आप इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं, मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे मेल्ट होने तक चलाते हुए पकाएंगे। गुड़ अच्छी तरह से मिल गया है, ये देखिए बाइंड हो रहा है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से इसे प्लेट में फैला देंगे और इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। अब ये हल्का गर्म है, अब हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मसलते हुए इसका डो तैयार करेंगे। इसे इस तरह से लंबा करते हुए मिठाई का शेप देंगे। मिठाई को सावधानी से उठाएंगे और फॉइल पेपर के ऊपर रखेंगे और इसे इस तरह से कवर कर देंगे। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, सेट होने देंगे। आधे घंटे बाद फॉइल पेपर को हटाएंगे। मिठाई अच्छी तरह से सेट हो गई है। इसके ऊपर दोनों साइड कोकोनट पाउडर लगा देंगे। और इसे कट करेंगे। घर की ही चीज़ों से इतना टेस्टी मिठाई बनकर तैयार है। ये देखिए, देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मिठाई की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।